Hello everyone, welcome to Digital Era. Today we are going to start new chapter and the name of the chapter is Lenses. Okay, so lenses क्या होते हैं? हम लोग ने आज तक कहाँ कहाँ lenses देखे हैं? Reading glasses, spectacles, reading glass में जो होता है वो भी lens ही होता है. Spectacles, जिस कैमरा में मेरी शूटिंग हो रही है वो भी lens ही है. ओके okay. अभी बहुत सारे जगह पे हम लोग ने लेंस देखा होगा, जैसे घर का जो मेन डोर होता है उसके अंदर जो होल होता है, पीपिंग होल, उसमें भी लेंस होता है. बहुत सारे जगहों पे लेंसेस का यूज़ होता है. अब व्हाट इज लेंस? लेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ बाउंडेड बाय, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. And it can be bounded by two surfaces. ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है ये. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या होता है, क्या है लेंस की इंपॉर्टेंस. अब लेंस के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, दो टाइप होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉनवेक्स. कॉनवेक्स, कॉनकेव. ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज कॉनवेक्स, कॉनकेव, क्या है नया वर्ड. ठीक है, कॉनवेक्स लेंस मतलब होता है, हम लोग ने बहुत सारे रीडिंग ग्लास, हम लोग ने ओल्ड मैन, कोई बुढ़े आदमी का रीडिंग ग्लास देखा होगा, तो वो लेंस थोड़ा ऐसा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है. ठीक है, कॉनकेव लेंस, वो लेंस थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है. दिस इज कॉल्ड कॉनकेव एंड कॉनवेक्स. ठीक है, अब कॉनवेक्स लेंस में भी दो तीन टाइप होते हैं. सपोज पहला इज बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव. तो भी बाय कॉनकेव लेंस कैसा होगा? दोनों बाय कॉनवेक्स, सॉरी, पहला बाय कॉनवेक्स लेंस कैसा होगा? दोनों तरफ से वो पफ्ड होगा थोड़ा थोड़ा सा. ठीक है, पफ्ड होगा यानी वो स्पेरिकल जो है, ये जो स्पीयर है, ये वाला जो स्पीयर है ओनली, ये वाला, ये थोड़ा बाहर की तरफ पफ्ड होता है. दैट इज कॉल्ड कॉनवेक्स लेंस. ठीक है, अभी यहाँ पे बाय कॉनवेक्स है, तो बाय कॉनवेक्स मतलब दोनों तरफ से पफ्ड रहेगा बाहर की तरफ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉनवेक्स लेंस. व्हाट इज कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस मतलब क्या होता है? अभी हम लोग इसमें भी एक एग्जांपल देखेंगे, बाय कॉनकेव लेंस. ठीक है, बाय कॉनकेव लेंस कैसा होगा? दिस इज कॉनकेव, मैंने बताया था कॉनकेव मतलब जैसे ये बाहर की तरफ पफ्ड होता है. एक स्पून देखो आप लोग, स्पून. ठीक है, स्पून का एक पार्ट, सपोज करो कि दिस इज अ स्पून, स्पून का एक पार्ट बाहर की तरफ है, तो वो क्या हो गया? कॉनकेव. ठीक है, अभी कॉनवेक्स लेंस कैसा होता है? स्पून का जो ऊपर का जिससे अपन खाते हैं वो वाला पार्ट देखो, ऐसा होता है कॉनवेक्स लेंस. स्पीयर तो रहता है लेकिन इनसाइड द लेंस. ठीक है, लेंस के अंदर से स्पीयर बनता हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाय कॉनकेव लेंस. अभी कॉनवेक्स और कॉनकेव में बाय कॉनकेव, कॉनवेक्स, प्लेन कॉनकेव, अलग अलग टाइप के बहुत सारे लेंस होते हैं. ठीक है, लिख देता हूँ. प्लेन कॉनकेव मतलब क्या होता है? प्लेन कॉनकेव मतलब होता है एक साइड प्लेन होगा और एक साइड कॉनकेव होगा. दिस इज कॉल्ड प्लेन कॉनकेव. अभी प्लेन कॉनवेक्स मतलब क्या होता है? प्लेन कॉनवेक्स मतलब होता है कि एक साइड प्लेन होगा और दूसरे साइड कॉनकेव होगा. ठीक है, कॉनवेक्स होगा. ओके, अभी कॉनकेव कॉनवेक्स देखे, अभी इसके अंदर ये स्पीयर्स जो हम लोग इतने सारे देख रहे हैं, ये लेंसेज जो देख रहे हैं, अभी ये लेंसेज की स्टडी करनी है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो
सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी डिनोटेड बाय सी। तो अभी एक लेंस जनरली कैसा होता है, या तो ऐसा या तो ऐसा। अभी एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल, ये लेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया, क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टडी करने के लिए। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लेंस के ठीक सेंटर में से जो मतलब कर्व है ना, या कर्वेचर यानी कर्व, ठीक है, सी यू आर वी कर्वेचर, सो इट इज रिलेटेड, ओके। तो ये कर्व के ठीक सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपना सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस हम लोग को पता है, हम लोग के पास सिर्फ इतना सा चीज था, हम लोग ने इमेजिनरी लाइन आगे ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन आगे ड्रॉ किया तो हम लोग को पता एक सर्कल बन गया। अब हम लोग को पता है व्हाट इज रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द कर्व इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मतलब पता है हम लोग को, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो सेंटर है, इमेजिन करो कि इमेजिन अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द स्पीयर्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ गया क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, डिनोट कैसे करते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर पता चल जाएगा तो हम लोग को प्रिंसिपल फोकस पढ़ने में बहुत आसानी होगा। ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, हम लोग ने रिफ्रैक्शन चैप्टर में देखा कि कोई भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है, उसके जो एंगल होता है तो एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है, यानी वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी ये जो पूरा स्पीयर है, ठीक है, पूरा लेंस जो है ये पूरे लेंस में एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो लाइट रे जो यहाँ पे से पास हो रही है वो सीधे सीधे पास हो जाए, रिफ्रैक्ट नहीं हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि लेंस में एक ऐसा पॉइंट जहां से जो लाइट रे है वो अनरिफ्रैक्टेड पास हो जाए दूसरे साइड, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। अब व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, सपोज सपोज लाइट रे इज पासिंग थ्रू इट, वेट आई विल ड्रॉ इट अपॉन, सपोज लाइट रे यहां से आ रहा है, ओके, okay?
ठीक है, लाइट रे यहां से आ रहा है, एक पॉइंट पे आके सारे लाइट रे कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होना मतलब सारे लाइट रेज एक पॉइंट पे आना, जो जिस पॉइंट पे आके सारे लाइट रे कन्वर्ज होते हैं और फिर वहां से डिस्पर्स होना शुरू होते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये लाइट रेज है, लाइट रेज आ रहे हैं यहां पर आके कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होने के बाद यहां पर डिस्पर्स हो रहे हैं। जो पॉइंट पे लाइट रे कन्वर्ज होते हैं दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सो अभी हमारे ये चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स बाकी हैं, तो ये सारे टॉपिक्स को ऐसे ही फन के साथ ईजी वे में पढ़ने के लिए या तो हमारे वेबसाइट पे जाइए या हमारे एप्लीकेशन पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।